जब मार के पीछे हटता है ना तो वो ट्रॉली थोड़ा आगे भी मुंह जस्ट बैरिक मैं अगर वॉशरूम होती सोचू थी फ्लाइट लैंड हो गया और मेरे को निकाला नहीं तो <laughs> मुंबई

लास्ट ईयर थी, थी पड़ी थी लास्ट ईयर यार एवरी एवरी ईयर हर साल हम बोलते हैं कि इस बार ठंड बहुत ज़्यादा है यार नहीं बट इस बार मुझे वाकई में थोड़ी ज़्यादा लगी है इस बार लेकिन बार थोड़ी जल्दी आ गई और हाँ। जम के आई और अभी भी जाने का नाम नहीं ले सही रही सही बात है वो uh, काफ़ी इंड्यूरिंग है इस बार का विंटर हाँ तो हीटर वीटर सब चल रहा है चल रहा है आवर्स

तो हम बारी बारी चूज करते हैं थोड़ा ट्रिकी होता है ना विंटर्स हाँ, में बट हाँ मतलब आई थिंक जब बट कल ही मैं बोल रही थी अपने टीम को कि थोड़ा कंट्री करते हैं एंड गेट अ हीटर फॉर द रूम हम्म hmm. किस टाइप के हीटर्स है वैसे मेनली दिल्ली एनसीआर में किस टाइप के हीटर यूज ही हैं एक तो ये ब्लोअर वाला हीटर है या मोस्ट कॉमनली यूज्ड है सब वो और एक फिर वो रॉड वाला है

एनी वे वॉट आई एम सेंग इस कि हमारे को तो घर में वो हीटर वीटर चलाने का आदत था नहीं या तो पहले या तो जब था तो हम लोअर ही चलाते आए लाइक ऑयल हीटर आई थिंक इस लास्ट टेन ईयर्स में थोड़ा सा ज़्यादा लोग यूज करते हैं इंडिया में हाँ। इंडिया में बाहर तो मतलब दीवारों के साथ नहीं तो वो फिलामेंट वाला वही वही वाले फिलामेंट वाला हां हाँ।, हाँ। वही वाले यूज होते थे मैक्सिमम यही यूज हो रहा है करेक्ट नहीं तो फिर द बेस्ट वन इज आग आग लगा दो आग लगा दो है ना आग लगा बैठो ओ डिड यू सी बाय द वे अभी

तो उसमें टीटी फिर बाद में कुछ उसको डांट रहा समथिंग हैड हैपेंड नॉट नीचे नहीं उतारा उसको बा, बाद में उतारा बट डूड रियली सो बिज़ार मतलब yeah. ट्रेन में बर्न बट यू नो इंडिया वेयर यूज्ड टू सीइंग पीपल कैरीस गैस सिलेंडर्स एंड ऑल दैट स्टफ आई मीन आई एम नॉट सरप्राइज दे लिट अ बोन फायर एटलीस्ट यू कैन एक्सटिंग्विश द फायर जलाता कौन था पहले नहीं जलाता कोई नहीं था व्हाट एम सेइंग इज लाइक इट्स नॉट अलाउड एनीवेज ना तो जनरल कंपार्टमेंट इट्स यूजुअल टू सी पीपल कैरिंग लाइक दोस छोटे सिलेंडर्स एंड थिंग्स लाइक दैट क्योंकि

आ, और मैं जनरल कंपार्टमेंट में चढ़ा और शुरू से तो मतलब काफ़ी मैं हाईलाइट देता हूँ ठीक है पैदल चढ़ने से पहले पुलिस के डंडे पड़े बहुत <laughs> लंबी लाइन थी सबको डंडे पड़े मैं पता नहीं कैसे बच गया फिर जब ट्रेन आई जब चढ़े तो वहाँ पर जैसे मैं एंटर हुआ तो मैंने देखा आई वॉज वन ऑफ दोज फॉर्चुनेट वंस पता नहीं कैसे मैं लाइफ में दैट वॉज वन ऑफ द वेरी रेयर फ्यू मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ जहाँ पर मैं काफ़ी आगे था सबसे वही जनरल तो जैसे मैं चढ़ा तो मैं देखा वहां पर ना ऐसे पीछे से ही मतलब कंपार्टमेंट जहां से बंद के आ रही थी ट्रेन वहाँ पर वहाँ पर से ही लोग स्पाइडरमैन की तरह सीट्स ब्लॉक करे हुए थे तो एकदम एकदम से ऐसा रश हुआ और लोग एंटर होने लग, लगे एंड देन दीज पीपल जो कि स्पाइडरमैन की तरह ट्रेन ब्लॉक कर रहे थे दे आर आस्किंग फॉर मनी लाइक डेढ़ सौ रुपये दो सौ रुपये तीन सौ रुपए ना मुझे भी कमाई करने के लिए सो अल्टीमेटली मतलब एन आज लाइक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस लाइक भैया यार अभी तो टिकट का पैसा दिया लाइक like, अरे किसको लाइक like, चलना आ गई या तो यू गो फॉर्वर्ड और यू पे वोडर्न गार्गेनिंग कर रहे like, तीन सौ ऊपर तो तो की सीट होते so, like, like, है। है <laughs> so, थोड़ा सा उससे मांडवली करके आई थिंक एंड आई गॉट दीट तो ये था डब दर टाइम आई कूड ट्वेंटी फोर आवर्स आई कूडन गेट अपू शिट और तो बहुत शूट और इवन हाँ या फिर मतलब थोड़ा स्ट्रेच करो फॉर 24 आज आई कुडेन 25 आज आई कुडेन और बहुत हर चीजें हुई थी उसमें है इट वाज वन हैल्फ ऑफ एक्सपीरियंस यू नो यू नो व्हाट आई रिमेम्बर लाइक व्हेन मी यूज ओब्वियसली जब मैंने इंटर करा था जनरल कम्पार्टमेंट में आई हू

Movies. Their background is that somebody did some shit to them, and they wanted to become a cop so that they Otherwise, imagine right. Who would want to be a TT? Yeah. You can never have any like you can. I don't think you will ever find someone saying that. Maybe somebody wants a You know, or Mahindra Singh Dhoni was a TT, so I'll also be him. Oh damn! You know. एक दिन टी टी बन के दिखाऊंगा मूविंग ऑन तो एक ये ट्रेन में हुआ इतनी ठंड yeah. पड़ रही है ना मतलब लोगों को लोग ट्रेन में ऐसे आग लगा के चल रहे हैं आई से गट्स क्यों होल्डअप मेरे को ऐसा कुछ करने का मन तो बड़ा करेगा हाँ कि ठंड है बिकॉज वो जो जो रेलवे वाले जो कंबल देते हैं क्या हो गया उसमें एक उंगली भी गर्म नहीं होगा उससे इवन इफ लाइक अगर मैं किसी के साथ ट्रैवल करूँ मैं दो खींच लूँगा इवन देन लाइक मेरे को ठंड तो लगेगी लगेगी ना नीति तो और ठंड इतनी बढ़ गई क्या करोगे फिर आप ऐसा कुछ कदम उठाने का सोच सकते हो एंड उन्होंने कर दिया यार सो दे आर डूर्स

मतलब जो भी देख रहे हो वही होता होगा लाइफ में कन्विंसिंग मतलब इनफ तो मैंने देखी बर्निंग मुझे पसंद आई हाउ एवर कमिंग बैक टू दिस वन जो ऐसा आग लगा के जो ट्रेन में घूम रहे थे <laughs> उसमें शुरू में बोगी वाले में कुछ तो लोगों को आपत्ति हुई होगी कि आ, भाई कैसे कर सकता है बट देन द मोमेंट दे गो द वार्म ना आ नहीं मुझे लग रहा है ना क्या हाँ क्या कर रहे हैं कि मतलब बोला तो होगा लोगों भाई क्या कर रहे यार तो ना जब वो जला रहे क्योंकि वो भी उसी ट्रेन में बैठे हुए हैं भाई कुछ हो गया तो भाई उनका भी तो जिंदगी यू नो इट्स इन डेंजर सो लाइक दि बड़ा सेट लगाया होगा तो किसी पीछे से बोला होगा किसी नहीं भाई hmm. आग लगा दे थोड़ा सीट वेक देते हैं फिर टीटी को कॉल करते <laughs> फिर रेलवे को इन्फॉर्म कर दे ट्विटर में सो दैट वुड हैव बीन अ पॉसिबल थिंग मतलब टी टी को भी यहां तो, आने के 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 लिए तो know, तो know, तो like, हा, हा, यही तो तो ढूंढ रहा था एंड exactly. <laughs> 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 में फोटो है। क्या बता भाई कुछ भी भी हो हो सकता है है ऑफ कोर्स और uh, ये ट्रेन तो ट्रेन की हालत थी वैसे काफी डिले रही फ्लाइट्स साथ साथ mm. लेकिन के बारे में कोई इतना बात कर नहीं रहा ठीक है यार

है है ना? ना? ऐसा लग रहा था था पिकनिक स्पॉट कितना कितना लाइफ में कितनी बार चांस मिलता है आपको टारमेक में बैठ के खाना ऐसी जगह में बैठ के खाना खाने का इट वाज स्टिल वेरी डिफरेंट लाइक वो जगह पैसे दे के भी आप नहीं खा पाओगे पे हाँ मैं एयरलाइन का पैसे दे के मैं में खड़ी नहीं हो सकती ज्यादा देर के लिए <laughs> अरे मेरे मतलब को पकड़ के ले जाएगी पुलिस दुनिया का बड़ा से बड़ा आदमी भी टारमैक पे बैठ के खाना नहीं खा सकता <laughs> है ये क्या थ्रिल्स हैं yeah. लाइफ के वो बोलेगा ना अपने ग्रैंड को भाई मैंने टारमैक में बैठ के खाना तो किया कुछ तो एक्सपीरियंस रहा होगा डेफिनेटली अब डर्टी वर्टी छोड़ो मतलब कहाँ डर्टी नहीं है भाई हर जगह तो मतलब कुछ ना कुछ है बट एनी लाइक इट वॉज आई थिंक इट वुड है नाइस फन थिंग वैसे प्लेन लैंड हो रहा यू आर लुकिंग इन द फोर ऐसे व्यू है होपफुली नथिंग वॉज लैंडिंग और

खत्म ही है खत्म मतलब आई नेवर लास्ट कपल ऑफ इयर्स तो नो ही हैड गॉन टू गेट हिज मेकअप रीडन आई डोंट सी एनी डिफरेंस दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द चप वाज ओह नेचुरल मेकअप इट इज नाइस न्यूड ओह फक वी डिडंट गिव अ क्लैप एवर This is not a clap. <laughs> It's a clap back. This, this clap, this. ऑडियो एंड वीडियो सिंक ओके मूविंग ऑन सो पायलट को जो पायलट ने जो स्टैप किया एनीवे। तो एक और वीडियो सामने निकल के आया सामने निकल के आया इतना सामने निकल के आया कि मतलब हर एक बंदे ने वीडियो देख लिया हर एक बंदे ने यू नो दैट गाय इज अ स्टार नाउ ही इज या या ही इज अ रेवोल्यूशनरी उसने ऐसा किया उसको तो जेल हुई

पहले पहले कभी था उसके बाद बीच में बंद हो गया था डोमेस्टिक के लिए एंड दिस right right है स्टार्टेड तो बैक अब वो रूल बना हाँ. बट आ, यार ये हम लोग कितना सुनते हैं पायलट लाइक फ्लाइट में शराब पी के कुछ उल्टी कर दी ये तो हमेशा हाँ मतलब... बट ये मतलब उठ के मारना शुरू कर दिया सीधा पायलट को नहीं। तो uh, मेरे को थोड़ा म्यूज़िक लगा बट उसमें एक बैकग्राउंड ये भी है कि आई थिंक थर्टीन आवर्स से वो लोग एयरपोर्ट uh, पे ही थे नॉट इन द फ्लाइट बट देवर एट द एयरपोर्ट फॉर लाइक इन इंट्रोलो दो तीन घंटे तो फ्लाइट में थे हाँ। एयरपोर्ट में आप थर्टी मतलब दस घंटे डिले उसके बाद दो तीन घंटे फ्लाइट में चलो इंसान आता है फ्लाइट के अंदर तो सोच बिना उड़े नहीं बैठ सकता। मैं, मैं शायद ये तो आ, बट वो जो बोल रहा था कि भाई चलाना तो चलाओ या तो छोड़ो हमारे उसने बड़ा आर्टिकुलेट करके बोला उसने कहा चलाना है तो चला नहीं तो दरवाजा खोल

Hmm. आगे बैठ रहा था बंदा ठीक है वो देख रहा होता पीछे अब उसको पता चल गया <laughs> <थी> <laughs> <laughs> नोटिस करना यहां पे भी डालना है ठीक वो पायलट दे दे की तरफ देख इज ऑलरेडी इज लाइक आई एम गोइंग टू सी द शो डाउन यू दिस गाय हु वाज सिटिंग ऑन द राइट ऑन द फ्रंट सीट सो नियर द पायलट एंडर्स लुकिंग एट द बैक फर्स्ट ओके एंड देन बिफोर दिस गाय कम्स इन टू फ्रेम ही इज लुकिंग दैट साइड सो हीस ऑलरेडी सिचुएटेड हिमसेल्फ कि हाँ भाई मेरे को देखना पायलट को पिटते हुए ah. ये देखना हाँ वीडियो में वही चीज सबसे हिलेरियस लगी मुझे बट आई वुडंट वांट टू ट्रस्ट अ पायलट उ कुड सी इट कमिंग मुझे सीट नंबर पता करो यार इस बंदे का <laughs> नहीं कहते कि बहुत पीछे से चार्ज करके oh! आता <laughs> 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 उसको क्या लगा <laughs>

You know, <laughs> <laughs> उस के बाद भी बेचारे एयर होस्टेस ने कहा आप ऐसे नहीं कर सकते आई एम जस्ट क्राइंग शी इज क्राइंग आई एम नॉट गोइंग ऑन दिस प्लेन वेयर द पायलट वेयर माय पायलट इज गेटिंग फकिंग हिट ए टू द एयर होस्टेस इज क्राइंग मतलब <laughs> बेचारे यार बट आई फील फॉर देम आल्सो काफी स्ट्रेसफुल कंडीशन है ना इमेजिन सोचो ना मतलब मेरे को अपना भी <laughs>

एक हीरोइन uh, uh, है इज एवरीथिंग इन इट सेटअप है yeah. एक खुफिया कैमरा भी है हाँ <laughs> वी ना कैमरा पर्सन सी इमेजिन व्हाट बेस्ट इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट इट वुड बी कि अगर डिले हो रहा है इमेजिन यूर इन फ्लाइट और फ्लाइट डिले हो रही है फ्लाइट के अंदर बैठे हुए हो एंड लाइक like, यार ना कोई टी स्क्रीन है अगर है भी तो उस पर कुछ चल नहीं रहा You you know, you're just sitting, and and then suddenly see air They are starting to dance. But थोड़ा इम्पेस हो कि मतलब जब तुम्हारे घर में रिश्तेदार आए होते थे जब तुम बचपन में होतेड हो जाता तो बोलते नहीं थे बच्चों को खड़ा करते जाओ नाचो गाओ शो सम तो ये वही बात हो गई कि But मतलब पायलट्स और क्रू को अगर आ, that, be so well, you know, ऐसा दे लर्न सम एंड ऑल दैट विल बी सो बेनिफिशियल फॉर देम वेल यू नो एक अच्छा नाटक कर रहे हैं हां नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं आयल नाटक आयल नाटक डंग 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 सरसरोड डंग अब लाइक फ्लाइट चालू कर भाई ये तो छटिया पे मरते हैं भाई वुड यू लव इट इट्स एंटरटेनिंग नो मैन इट इज नॉट <laughs> रहे कि भाई चार, हो इसकी चार या दो महीने कुछ हो गए थे तो अभी कैसा में जा लौजिक, लौजिक, है? ऐसा नहीं कि मतलब आप एक मैं ही जाना होता है बाद लड़की साथ में होते थोड़े डिफरेंट ऐसे करते हैं मेरे हिसाब से

सो वॉट यू आर डूइंग टेक्निकली इज़ आप दोनों हैंड रेस यूज़ कर रहे हो अगर आप बीच में बैठे हुए हो तो मैं बीच वालों की बात कर रहा हूँ बिकॉज टेक्निकली अगर आप लेफ्ट में या राइट में हो तो आपका एक तो आपका होता ही होता आ, है चाहे वो लेफ्ट या राइट हो बट बीच वाले के लिए बोल रहा हूँ आप आ, अपना एक कोनी जो आमरेस होता है उसका आगे में रख दो ठीक mm. है ताकि उसका जो साइड वाला पीछे वाला पार्ट है एक काफी अनकंफर्टेबल लग रहा है मेरे को तो नहीं 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 होता है नहीं होता है। मैंने ये ट्रिक यूज करी है अच्छा तो मतलब यू मेकिंग जगह यू हैव ओनली ऑक्यूपाइड बेसिक लॉजिक यू हैव ओनली ऑक्यूपाइड 50% ऑफ बोथ हैंडरेस्ट सो यू कांट दे कांट टेल कि भाई आपने घेर रखा है लाइक मैंने आपकी इतनी जगह दी है

हम अभी तुरंत लैंड करने वाले हैं आप अपने आप को सिक्योर कर लीजिए <laughs> मैं अगर वाशरू में होती ना ये सोचो फ्लाइट लैंड हो गया और मेरे को निकाला नहीं तो बाकी <laughs> सब मेरे को छोड़ के भूल गए तो <laughs> ये फेरी कर रही है फ्लाइट I like, दीदी आप मेरे को नोट भेजते रहना प्लीज <laughs> <फ्लाइट। laughs>

Yes, makes sense. है ना mm -hmm. तो स्पेसेंट दे टू डू टी टू में बस एक जगह है जहाँ पे कैफे एरिया गुड फूड ऑल्सो बट मतलब आई वो ऑलवेज बीन अट्रेक्टेड टू टी थ्री बिकॉज कितना काफी सो मैनी थिंगस टू डू देर मतलब लास्ट मिनट थोड़ा सा लगाना भी हो तो वो भी पॉसिबल हो सकता है जो टी टू में पॉसिबल नहीं हो टी टू में नहीं पॉसिबल नहीं

बेचारा बच्चे मैं ये सोच रही हूँ कि बेचारा बच्चे को कुछ नो फक्स गिवन चल रहा है right? उसको लाइफ टाइम फ्री ट्रैवल देना चाहिए था अच्छा गिवन दैट एयरलाइंस आते जाते बंद हो जाती है करेक्ट इंडिया का सिंह का पता नहीं बच्चा ग्रो अप हुआ विस्तारा का फ्री uh, टिकट yeah, पड़ा हुआ है चाइल्ड लाइक आ जो बड़ा हो गया था विस्तारा किधर है मेरे पास फ्री टिकट है दैट हैपेंड विद विस्तारा एंड <laughs> then what else happened but what do you prefer i think you travel by indigo as well as vistara this time spice jet and vistara i think no air india jab ab to maine sare naam le liye jab mujhe jab bhi i don't fly as much mm -hmm. because of course where will i go <laughs> <laughs> in this weather but when no no generally also oh generally also hey, acha I, i try to make it a bit I'm, better so clearly nah, nah, nah you no know. i'm done with <laughs> uh, pehle mere ko flying bahut uh, um, बहुत

इंडिगो पीपल को क्रू का देख कर लगता है क्योंकि उनको भी इतना, इतना फ्लाइट्स मिलता होगा शायद उनका क्योंकि ये बहुत है, जाते है यार। तो वो भी खत्म रहते हैं तो इंडिगो की फ्लाइट मेंस्ट मेरे मेरे हाँ तो आई थिंक इसलिए थोड़ी बेटर लगती है थोड़ी सीमियम भी हो जाती है पिटबुल स्नेच वन ईयर ओल्ड बेबी फ्रॉम ग्रैंड फादर्स लैब एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये पिटबुल पालने का ऑब्सेशन लोगों में कहाँ से आया मतलब एक पिटबुल को क्यों लेगा ना मतलब मुझे एक एक अच्छी क्वालिटी बता दो पिटबुल में जो आप किसी और डॉग में नहीं मिलती वो फालतू का इतना एग्रेसिव डेलियन से आ रही है तो लड्डेली वाला वो लगते ही है, अग्रेसिव गाड़ी लो अग्रेसिव कुत्ता लो अग्रेसिव ये लग मतलब आउटलुक ही ऐसा लाइफ में तो पिटबुल तो बहुत लोग पालते हैं यहाँ पे पिटबुल लुक्स लाइक समन वांटेड टू गो टू द जिम वर्कड आउट डिडंट गेट रिजल्ट्स और स्टेरॉइड्स पी दिया दैट्स व्हाट आई थिंक ऑफ पिटबुल पिटबल्स दैट्स व्हाट आई थिंक ऑफ पिटबुलस वैसे हैं तो वो थोड़े नहीं आल्सो यू नो व्हाट लोगों के पास डेंजरस कुत्ते होते हैं क्योंकि उनको उनको पालना आता है ऐसे लोग ऐसी नाम के लिए पेट्स रख के और तुम्हारे को उनको एक्चुअली में आ, डिसिप्लिन करना नहीं आता हो तो यही यही होगा फिर क्योंकि Not वो तो है एनिमल्स जो जिनको दिमाग होना चाहिए वो हो तो हम बैन लगाना क्योंकि

अरे यार ये तो मतलब छोटी गाड़ी है mm. और मस्त पावर है इसमें मालिक भी बढ़िया है ले लो यू नो दैट्स दैट थिंक पार्किंग भी मिल जाएगी आराम से uh, exactly yeah. खाता भी नहीं है, you know, yeah. कितना, uh, बात ये है कि वो बच्चे का माँ बाप और वो कुत्ता है क्योंकि उसको तो कुछ और नहीं पता ना उसने उसने थोड़े ना कुछ रिवेंज के लिए

आप बोलते हो मेंटली अनस्टेबल हां करेक्ट यू नो एंड नाउ द कुत्ता हैज इज डिक्लेयर्ड मेंटली अनस्टेबल देन ही इज नॉट अलाउड टू कीप इट्स नॉट लाइक हाउ दे नो आई एम जस्ट सेइंग आई एम जस्ट सेइंग कैसे मतलब ह्यूमंस के साथ होता है हां क्यों उनको बचाने के लिए मोटे से उसको बोल दो मेंटली अनस्टेबल हां लूप होल्स इन द सिस्टम देन कुत्ता गोस्ट में मेंटली कुत्ता थेरेपी जाता है बैठे हुए सारे ऐसे सीट में हाथ ऐसे करके सब तेरे भी करें। मास्टर्स मैन कुत्ता सर वेरी मैं मेरे को लगता है कि बहुत हमारे पेट्स बहुत इमोशनल क्रीचर्स होते हैं hmm. और जैसे हम होते हैं वो वैसी दे स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट ब्लेम द मास्टर्स कम्प्लीटली कम्प्लीटली नो डॉगो कैन बी ब्लेम्ड नॉट इन दिस चैनल चैनल नो इट्स नॉट अ चैनल ओ It I is a thought, channel only. I thought you are going to say, not in this world. Oh. <laughs> 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 no. Choti Soch bol This podcast should be named Choti Soch. Chihuahua Soch, that is. Okay, then. Bye-bye. Take care. See you in the next one.